Sí. साथियों, 2014 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में 9वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। वहां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया और G20 को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, काले धन से लड़ने के खिलाफ, काले धन इकट्ठा करने वालों के खिलाफ, मनी लॉन्डरिंग के खिलाफ, जो काले धन को सफेद करते हैं उनके खिलाफ, जो शेल कंपनियां हैं दुनिया भर में उनके खिलाफ, जो टैक्स मुक्त जगह हैं, टैक्स हेवन जो है उनके खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बुलंद आवाज उठाई और मांग की कि G20 को इस विषय पर नेतृत्व दिखाने की जरूरत है। अगले हफ्ते 9 तारीख को, यानी कि आज से 9 दिन बाद, नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर, 18वां, पहला नहीं, दूसरा नहीं, 10वां नहीं, 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने वाला। और आज सभी अखबारों में, अमेरिका के अखबार, इंग्लैंड के अखबार, हमारे देश के अखबारों में खुलासा हुआ है जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री के चहीते दोस्त, प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति, पूंजीपति ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है, सेबी के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है, ये सब खुलासा आज अखबारों में है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी 5 बजे को राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे, विस्तार से राहुल जी इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे आज शाम 5 बजे। मैं बस यही कहूंगा कि 28 जनवरी से लेकर 28 मार्च, 2 महीने में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे। ये हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला है, हमने ये सवाल उठाए। रोज हम 3 सवाल उठाया करते थे। मेरे तो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम अडानी के हैं कौन, अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में ये छपा गया। 100 सवाल हमने पूछे प्रधानमंत्री से। हमने प्रधानमंत्री को कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, और हमने एक ही मांग की, कानूनों का उल्लंघन हुआ है, निवेश में पारदर्शिता नहीं है, शेल कंपनियों का भारी इस्तेमाल किया गया है, 20,000 करोड़ रुपया जो ये अडानी के शेल कंपनियों में पाए गए हैं, इसके असली मालिक कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने 100 सवाल पूछे। राहुल जी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अपने भाषण दिया, और आप जानते हैं वो भाषण देने का एक नतीजा 20 दिन बाद
उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया लोकसभा से। ये बहुत गहरा मामला है, ये अडानी का मामला नहीं है, ये मोडानी का मामला है। प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है, ये असली मुद्दा है। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। आज सुबह 5 बजे को राहुल जी, जिन्होंने पिछले 1 साल से सवाल उठाया है संसद के अंदर, उनको भुगतना पड़ा। 4 महीने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए और हमने, हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से 100 सवाल उठाए और एक ही मांग की, और आज मैं वो मांग दोहराता हूं कि जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर देश को सच्चाई जानने की इच्छा है, हकीकत क्या है, राज क्या है, एकमात्र रास्ता जेपीसी का रास्ता है। तो आज भी हम जेपीसी की मांग दोहराते हैं। आज का जो बड़ा खुलासा हुआ है, वो फिर एक बार यही साबित करता है कि हमारे संस्था नाकाम हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, आंख खुला है और कानून का उल्लंघन हो रहा है, नाक के नीचे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार की पूरी जानकारी होने के बावजूद यह उल्लंघन हो रहा है। तो सिर्फ एक ही मांग है, जेपीसी का गठन होना जरूरी है। अभी वक्त है कि जेपीसी का गठन हो और जांच शुरू हो, और डिटेल इसके बारे में राहुल जी आपसे 5 बजे को बातचीत करेंगे। ठीक है, ठीक है?